नमस्ते सबको, माय नेम इज विकास चहार एंड यू आर वाचिंग वी 1 2 3 लेट्स गो। आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एक फोन की, एंड्रॉइड फोन की, वो वन प्लस कंपनी का फोन लेके आया हूं। आपको मैं दिखा देता हूं, ये वन प्लस कंपनी का फोन लेके आया हूं। ये वन प्लस कंपनी का फोन बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा एंड्रॉइड के अंदर फिलहाल, और ये मैं लेके आया हूं 8T। इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको सारी डिटेल्स आपको देता हूं, ये फोन कैसा है और मुझे ये सबसे अच्छा एंड्रॉइड फोन इसके अंदर सबसे अच्छा क्यों लगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अब आओ चलते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं इस फोन की। अनबॉक्स करते हैं 8T। बहुत ही प्यारा फोन है और ये जैसा आप देख रहे हो वन प्लस 8T, बहुत ही प्यारा बॉक्स के साथ वन प्लस। और ये आपको एक बार मैं दिखा दूं, आपको कलर इसका लूनार सिल्वर मोबाइल फोन, और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, तीसरा महीना 2021। इसका जो MRP है वो MRP है 45,999 रुपये, मीन्स 46,000 रुपीज़, आप मान के चलो 46,000 रुपीज़ का फ़ोन है। और बहुत ही बढ़िया, ये 256 GB में मैंने लिया है, मतलब 256 GB का फ़ोन है 8T। आओ अब इसको ओपन करते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कैसा है। वाओ, नेवर सेटल, बहुत ही प्यारा फोन। और ये बहुत ही प्यारा, पहले बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या बॉक्स के अंदर आया है। ये बॉक्स के अंदर इसकी बुकलेट्स जो बहुत कई बार यूज़फुल हो जाती हैं हमारी, ये क्विक स्टार्ट गाइडलाइन, और ये कुछ नया इनका कार्ड है, और ये वन प्लस के आपके स्टिकर्स, आप कहीं पे भी इनको चिपका सकते हो अपने फ़ोन के ऊपर या कहीं पे भी, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और अब देखते हैं क्या है। ये एक फ़ोन कवर, आया है, ट्रांसपेरेंट फ़ोन कवर आया है, बहुत ही प्यारा ट्रांसपेरेंट फ़ोन कवर है। और इसके अंदर ये एक केबल है, ये टाइप सी की केबल है, जैसे आप देख रहे हो टाइप सी की केबल है। इसको चाहे सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ फ़ोन के अंदर, ये दोनों तरफ से एक जैसी होती है, तो आपको ये देखना नहीं पड़ता है कि किस तरफ इसको लगाना है। तो बहुत अच्छी ये टाइप सी की केबल है। और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये हमारा चार्जर, रैप चार्जर है 65 वॉट का, बहुत ही पावरफुल चार्जर है। अगर आप 15 मिनट इसको चार्जिंग पर लगाओगे, कंपनी का बोलना है कि वो पूरे दिन आपका फ़ोन चलेगा। ये देखो आप देख रहे हो आप चार्जर 65 वॉट का है, ये बहुत तेज चार्ज करेगा पावर सप्लाई यूनिट के साथ, बहुत ही तेज करेगा, बहुत ही प्यारा और बहुत पावरफुल चार्जर है इसके साथ। तो हमारे बॉक्स के अंदर यही था,
और अब मैं एक बार फोन को दिखा देता हूँ। ये फोन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको ओपन करते हैं एक बार। सब एकदम क्रिस्टल क्लियर सब दिख रहा है फोन के अंदर। ऊपर का भी चीज़ दिख रही है कि कैसे मैं देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ उसको, कैसे नहीं देख पा रहा हूँ। ये कलर है लूनार सिल्वर कलर है, बहुत ही प्यारा फोन है, बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ आप देख रहे हो, बहुत लाइट वेट के साथ और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे कैमरे नज़र आते हुए इसके अंदर। ये वन प्लस का फोन लूनार सिल्वर के अंदर बहुत ही प्यारा फोन है। अब मैं फोन के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ फीचर्स, फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे डिटेल्स के अंदर आपको पता चल जाए कि फोन के अंदर क्या फीचर्स हैं और ये फोन कैसा है कैसा नहीं है और तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं फोन के बारे में बताता हूँ। फोन के अंदर आते हैं दो कलर, एक ग्रीन और एक सिल्वर। जो मैंने परचेज किया है वो सिल्वर कलर है, ये लूनार सिल्वर कलर इसको बोला जाता है जो मैंने परचेज किया है। इसके अंदर सिर्फ दो वेरिएंट आते हैं, 128GB एंड 256GB। 128GB के अंदर आपको 8GB रैम मिलेगी और 256GB के में आपको 12GB रैम मिलेगी। तो ये अंतर है दोनों के अंदर। 8GB रैम के साथ अगर आप जाओगे तो आपको 128GB स्टोरेज मिलेगी, अगर आप 12GB रैम के साथ जाओगे तो 256GB आपको स्पेस मिलेगी। तो मेरा मानना ये है 3000 रुपए का डिफरेंस है दोनों में। अगर आपको फोन परचेज कर रहे हो 128GB परचेज कर रहे हो तो 256GB के साथ जाओ, क्योंकि आपको स्टोरेज के साथ साथ आप में रैम भी उसके अंदर 4GB एक्स्ट्रा मिल रही है, 12GB रैम हो जाती है। तो दोनों के अंदर ये फीचर है। दूसरी बात मैं स्क्रीन की बात कर लेता हूं। जो स्क्रीन है वो 6.55 इंच की स्क्रीन आपकी है। डिस्प्ले जो इसकी है वो फ्लूइड एमोलेड एलईडी डिस्प्ले है, बहुत प्यारी डिस्प्ले है। और पिक्सल्स जो है इसके 2400x1080 तक इसके रिजोल्यूशन है, तो ये बहुत बेहतरीन डिस्प्ले हो जाती है। और 120Hz के साथ ये है, 120Hz में अगर आपको स्वैप करनी है, फोटो देखनी है, तो फटाफट फटाफट आप ये देख सकते हो कि आपको कुछ भी आपको फोन के अंदर चलाना है तो बहुत स्पीड की हो जाती है। हाँ, किसी को फास्ट अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर ऑप्शन भी दे रखा है कंपनी वालों ने, आप सेटिंग्स पे जाके आप 60Hz भी आप इसको कर सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैं चार्जर की बात कर लेता हूं। जो मैंने आपको ये चार्जर दिखा था अडेप्टर, ये अडेप्टर जो चार्जर है ये बहुत ताकतवर चार्जर है। ये 65W चार्जर है जो कि आपके फोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। ये कंपनी वालों का मानना है 35 मिनट्स में आपका फोन बिल्कुल फुल चार्ज हो जाएगा, और अगर आप 15 मिनट इसको चार्ज करते हो तो 15 मिनट की चार्जिंग में आपका फोन पूरा दिन निकाल देगा। बैटरी की बात कर लेता हूं, 4500mAh की बैटरी इसकी है। कैमरे की बात कर लेता हूं, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 कैमरे दिख रहे हैं। ये जो सबसे पहला कैमरा है ये 16MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और ये हमारा मेन कैमरा है जो 48MP का कैमरा है। जो 48MP का कैमरा है ये हमारा मेन कैमरा है। तो कैमरे के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें, कैमरे के लिए तो बहुत ही बेहतरीन, वीडियो के लिए बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर किसी को फोटो वगैरह लेनी हो तो बहुत बेस्ट फोटो है, मैं आपको फोटो भी लेके दिखाऊंगा इससे, बहुत बेहतरीन फोटो ली जाती है। ये कुछ फोटोज मैंने लिए इससे, आप देख सकते हो ये यही फोटो, ये वाला और यही फोटो फिर मैंने जूम करके लिया है। आप देख सकते हो इस वाली फोटो में वो कार दिख भी नहीं रही आपको, कार यहाँ पे है देखो, ये कार है यहाँ पे। ये वाली कार को मैंने जूम करके लिया है तो देखो कितनी पास, इस वाले खंभे को लिया है मैंने, ये वाला जो पिलर है ये वाले पिलर को लिया है, जो जूम करने के बाद दिख भी नहीं रहा, और देखो जूम करने के बाद कितना कितने सफाई से क्लियर से दिख रहा है। ये देखो ये कुछ सेल्फीज लिए हैं। और अब मैं बात करता हूं फोन में, ये ऑक्सीजन OX 11 है एंड्रॉइड का, जो कि बहुत ही
सबसे सुपीरियर अभी है, जैसे आईफोन के अंदर आता है एक बायोनिक चिप आती है तो 13 है, 14 जो अब चल रही है, तो ऐसी ऑक्सीजन 11 सबसे टॉप पे फिलहाल है, तो सबसे बेहतरीन ऑक्सीजन ओएक्स 11 जो सबसे एंड्रॉइड के अंदर मानी जाती है वो सबसे अच्छी यही है, तो ये चीज सबसे अच्छी इसके अंदर है। तो फोन बहुत ही बेहतरीन फोन है, बहुत अच्छा फोन है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपके साथ प्राइस लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आपको 40500 का मिल जाएगा, और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज में आपको 43500 का मिल जाएगा। ये 2500 पे इंस्टेंट डिस्काउंट कंपनी कर रही है, मैंने भी इसी प्राइस में ये फोन लिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चंस डाउट है तो पूछ लेना। जब तक मेरी तरफ से सबको नमस्ते एंड बाय।